हाय गाइस, तो बहुत टाइम से सब लोग बोल रहे थे कि अपने घर का व्लॉग दिखाओ और अपना होम टूर दिखाओ, तो आज कुछ स्पेशल है इसमें। स्पेशल मतलब ये भी मेरा घर है, मैंने बहुत बहुत मेहनत से ये घर बनाया है। और मेरा हमेशा से ना, एक्चुअली जब मैं बॉम्बे आई थी ना, तो मैं मॉम को बोलती थी, हम लोग बहुत बहुत मतलब हमने कुछ 10-15 घर शिफ्ट किए होंगे रेंट पे। कभी सोचा नहीं था कि अपना घर होगा बॉम्बे में, और अपने माँ बाप को भी एक घर दूंगी बना के उनकी पसंद का। और आप ये चीज़ तो मानते होंगे, जो दिल्ली में रहते हैं उनको छत और अपना बरांडा चाहिए होता है। तो अब बॉम्बे में तो ऐसे बहुत कम घर है जहाँ पे आपको या तो बंगलो, अब बंगलो जैसे तो मेरा हिम्मत नहीं है अभी, पर हाँ मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च करके दिखा के अपने मॉम डैड को फाइनली ये घर दिखाया जो उनको पसंद आया। थोड़ा ये भी आउट ऑफ बजट था, बट फिर मैंने सोचा कि कुछ चीज़ों में मैं अपनी थोड़ा कम कर लूँगी, एंड आई विल बाय देम अ हाउस एंड आई विल बाय देम व्हाट दे वांट। एंड मतलब यू नो, वो एक जब हम छोटे होते तो कैसे वो हमारे लिए जो हमारा मन करता है टॉय, भले हमारे पेरेंट्स की उतनी वो नहीं रहती है, क्षमता नहीं होती है या हिम्मत नहीं होती है, पर वो कैसे हम अपने बच्चों की हर चीज़ पूरी करते हैं, वैसे ना वो बच्चे हो जाते हैं और हम उनके माँ बाप हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको भी उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए, शायद अपनी थोड़ी ख्वाहिशें कम करके उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। ये चलते हैं घर के अंदर। चले राजवीर, चले तारा, लेट्स गो। ये रहा एंट्रेंस। यहाँ मम्मी ने अभी तो भगवान जी रख दिए हैं, यहाँ पर वैसे सब पूरा गायत्री मंत्र आएगा। और ये है हमारा चैंडेलियर, और ये है हमारा घर, ये है डाइनिंग एरिया जहाँ मैडम बैठी है, मस्ती कर रही है अपनी। से हाय टू एवरीवन। और ये है डाइनिंग एरिया, और मम्मी को इसका बेस्ट पार्ट ये लगता है चैंडेलियर। मम्मी बहुत खुश है चैंडेलियर से, सिर्फ ये चैंडेलियर से ही बहुत खुश है मम्मी। और ये यहाँ पे टीवी आएगा, पर जो मैं सोच रही हूँ रखूँ नहीं रखूँ, क्योंकि फिर टीवी आ जाएगा तो ये सोफे पे सब लोग फसर जाएंगे। और ये है इनका हॉल, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ एक मंदिर है जो थोड़ा इनकम्प्लीट है, ये मंदिर भी बनवाना है। यहाँ पे एक मंदिर का वॉलपेपर आएगा और यहाँ बर्थडे से भगवान जी आएंगे। और हाँ, राजू दिखा रहे हैं कि हमने सुंदर सी घंटियाँ लगवाई हैं। और जैसे मैं आपको बता रही थी वेरांडा, ये है हमारा वेरांडा, मैं आपको खुल के दिखाती हूँ। अभी बन रहा है, मम्मी की सब्जियाँ उगने वाली हैं यहाँ पर, ये देखिए। अभी यहाँ पर भी काम चालू है, वहाँ मम्मी ने अपनी सब्जियाँ लगा दी हैं और यहाँ मम्मी ने अपनी ग्रास चालू कर दी है। ये बाहर बच्चों का प्ले एरिया है, देख रहे हो, जहाँ खुशी, राजू और तारा खेलते रहते हैं और हम देखते भी रहते हैं। अब जाएंगे हम लोग अंदर, तो पहले जाएंगे लेफ्ट जो मेरे पापा का रूम है। ये मेरे पापा का रूम है, बहुत ही मिनिमल रखा है, ज़्यादा नहीं। और टीवी है क्योंकि पापा टीवी बहुत देखते हैं, सारा दिन क्राइम पेट्रोल देखते रहते हैं। और ये कर्टन्स हैं जो मैंने बताया कि रिमोट से ऑन ऑफ होते हैं, और फैन भी है जो रिमोट से चलता है। कंफर्ट देना ज़रूरी है। और ये है बाथरूम उनका, पहले मैं देख लेती हूँ। हाँ, तो ये है उनका बाथरूम, ये आज भी ऑन कर रहा है लाइटें। हेलो, तो ये उनका बाथरूम है, ऐसा था नहीं तो इसको पूरा हमने बनवाया है, पूरा तोड़ के। तो ये है बाथरूम पूरा इनका, और ये देखिए रूम। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। और अब हम जा रहे हैं मम्मी के रूम में, ये मेरा बेस्ट पार्ट है, ये मुझे बेस्ट पार्ट लगता है। और जा रहे हैं अभी हम मम्मी के रूम में, ये है मम्मी का रूम, मम्मी जहाँ पसरी हुई है, जहाँ कैरम भी पड़ा, देखिए सब ऐसे ही बैठे थे। यहाँ पर भी रिमोट से है, मैं लाइट थोड़ी ऑन करके दिखाऊंगी रूम, इट्स ओके। ये देखिए मम्मी को थोड़ा कलरफुल चाहिए था, तो मम्मी का थोड़ा पिंक रूम है जहाँ से गार्डन दिखेगा मम्मी को, टीवी। और ये लोग अभी कैरम खेल रहे थे। मम्मी हाय बोलो सबको, संजू हाय बोल, हाय। और ये है कबर्ड मम्मी के, पूरे कबर्ड है। और अब हम जाएंगे किचन में, ये किचन में काम हो रहा है, मेरी बहन है किचन में काम हो रहा है। बेटा एक मिनट, पहले मैं एक मिनट रूम दिखा दूँ। आज इनका माइक्रोवेव भी आया है, तो ये किचन है थोड़ी अभी आज मैसी है, और ये किचन का बाहर का एरिया जहाँ वॉशिंग मशीन, और जहाँ अभी हमने इसको भी रखा हुआ है थोड़ी देर के लिए क्योंकि बहुत तंग कर रहा था। तो ये कुछ बना, क्या बना रही कृतियन? चिकन मंचूरियन बना रही। और ये है स्टोरेज रूम,
जहाँ पे हमने काफी सामान यहाँ पे रखा है, एक कबर्ड भी बनवा दिया यहाँ पर ताकि कुछ रखना हो तो। ये हमारा स्टोर रूम है और अब हम जाएंगे मेन रूम में। जाओ तारा राजवीर, मेन रूम दिखाओ, जल्दी भागो। ये है बच्चों का रूम, ये तारा और खुशी का रूम है। जैसे आप देख सकते हैं ये स्टार लाइट भी बनवाई है, रात को जब ये लोग सोते हैं तो इनको ऐसा फील होता है जैसे कि अंडर द स्टार्स हैं। एक्चुअली पता है मैंने ये रूम क्यों बनाया और ये सब चीजें क्यों रखी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत मिस की बचपन में। मेरे पास बंक बेड नहीं था और तारा भी बहुत जब देखती थी तो उसका मन करता था बंक बेड का। खुशी तो बचपन से बोलती बंक बेड चाहिए बंक बेड चाहिए, तो मैंने सोचा चलो लेट्स मेक बंक बेड फॉर देम। कैसे निकलती है, चलो जाओ खुशी आप भी दिखाओ। अच्छा और चुप जाएगा। और इसका नाम क्या है खुशी और तारा बताइए। नहीं पर लोग नहीं जा सकते उसके अंदर। राजी ये इनका बाथरूम है जैसे आप देख सकते हैं, ये राजवीर की थीम रखी है और क्लाउड्स बनाए हैं ऊपर। यहाँ पे इनका ये सिंक है और ये है, और ये है खुशी का कबर्ड, ये है राजवीर का कबर्ड और ये है तारा का कबर्ड, और ये इनका स्टडी टेबल है गाइस। और ये आप बटरफ्लाई चेयर देख सकते हैं, ये है खुशी की, ये राजवीर की और ये तारा की। और अगर आप देख सकते हैं ये ड्रेसिंग टेबल, आप लोग सोचेंगे कि ड्रेसिंग टेबल क्यों बनाया है, तो गाइस ये ड्रेसिंग टेबल इसलिए बनाया है क्योंकि इन दोनों को मेकअप का बहुत बहुत शौक है, तो इसलिए ये ड्रेसिंग टेबल बनाया है। और ये है कर्टन्स और ये है इनका बेड, ये देखिए इनका रूम जुब जुब जुब। अब हम जाएंगे ऊपर, लेट्स गो। और ऊपर क्या है, राजवीर का सेक्शन, चलो लेट्स गो। चलो आप लोग देख सकते हैं राजवीर का बहुत बॉयश बॉयश सा है। ये देखिए राजवीर, ये राजवीर का ऊपर का सेक्शन, राजवीर का और उनका प्ले स्पॉट। इधर में एक छोटा सा बनाया है क्योंकि इधर इधर इलेक्ट्रिसिटी है और इधर पूरा मेरे टॉयज का है। ये छोटे से जगह पे मैं ये छोटे टॉयज खेलता हूँ। ओके और ये मेरा स्पाइडरमैन, इसको लेके मैं सोता हूँ। और इधर मेरे पूरे गन्स इधर है। अच्छा आपकी गन्स उधर है, शो मी सेफ। ओ नाइस राजवीर, आपने तो अपना बहुत अच्छा बनाया है। अभी तारा दिखाइए और राजवीर दिखाइए। ओके तो गाइस ये कार्स दिखाएं आप। तो इधर है हम लोग, यहाँ पे हम कोई कार, हम लोग तो वॉलपेपर है जहाँ हम लोग स्केच भी कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं। ओके इधर लस्सी क्यों लगा है, क्योंकि हम लोग हाय कर सकते हैं, और अगर इधर लस्सी नहीं था तो हम लोग हाय नहीं बोल सकते। ओ ये हाय बोलने के लिए, ओके ये अच्छा, तो यहाँ से हम लोग नीचे देख सकते हैं ओके, और हाय बोल सकते हैं। ओ नाइस, आप लोग मुझे ऊपर से हाय बोलना सब लोग, ओके चलो आप लोग मुझे हाय बोलना। बोलूंगी हाय, ये हुआ हमारा होम टूर खत्म, सी यू। तो फिर गाइस जब मैं घर ढूंढा और मम्मी को ये घर बहुत पसंद आया, क्योंकि मम्मी को ये था कि मुझे सब्जियां उगानी है और मुझे मेरा अपना, मतलब मुझे अपना चाहिए बैठने का। अब तो फिर मैंने ये घर लिया, उसके बाद मैंने मम्मी के मनपसंद इंटीरियर भी कराया घर पे। पहले हम लोगों के घर जाते थे ना तो बाथरूम में जाते थे, उनके तो बोलते वाओ यार क्या बाथरूम है, कि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं जब नोएडा से, नोएडा की हूँ मैं, और जब मैं नोएडा से बॉम्बे आई थी तो कभी सोचा नहीं था मैंने, क्या मेरे जो सारे लोग थे ना वो भी कभी नहीं सोचा था अरे ये कुछ करके दिखाएगी, यू नो सबको यही था कि अरे ये क्या करेगी। पर वही होता है कि जो ये होती है ना, ये कोई बदल नहीं सकता आपकी किस्मत, किस्मत कोई नहीं बदल सकता। तो गिरते पड़ते उठते सब कुछ करके, पता है लाइफ में मैं एक चीज़ हमेशा अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि अच्छे कर्म करते रहो, अगर कोई आपके साथ बुरा करा ना तो आप बुरा मत करो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो पे करना पड़ता है। और आई थिंक मुझे आज जब मैं बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ, बहुत
लोगों के लिए करा है अच्छाई, कभी किसी का काम नहीं काटा या कभी किसी की बुराई नहीं की या यू नो। हाँ बेटा तो वो कहीं ना आपको कहीं कभी लाइफ में ना वो चीज़ मिलती है, आप याद रखना। आप सोचोगे यार हमने ऐसा किया, इसने हमारे साथ धोखा किया, ये तो बड़ा अच्छा फल रहा है, ये तो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, पर नहीं, बहुत थोड़े टाइम के लिए चीज़ें रहती हैं, पर असली जो चीज़ होती है ना वो आपको ही मिलती है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये आप देख सकते हो तारा कर्टन्स बंद कर रही है रिमोट से। तारा रिमोट दिखाओ बेटा, ये तारा रिमोट से कर्टन्स ऑफ ऑन कर रही है। तो ये कर्टन्स रिमोट का मेरा यही था कि मेरे मॉम डैड कहाँ बार बार उठेंगे, कर्टन्स खोलेंगे, पर्दे खोलेंगे इस एज में, यू नो। उनको जितना मैं सहूलियत दे सकूँ मैं दूंगी। जब मैं इंटीरियर भी करा रही थी, मुझे बहुत चीज़ों के लिए उन्होंने बोला ये थोड़ा बजट ज़्यादा जाएगा, ये थोड़ा बजट ज़्यादा जाएगा, पर मेरा यही था कि नहीं कोई बात नहीं, यू नो, मेरे माँ बाप को कम्फर्ट मिलना चाहिए बस। और मेरे को काफ़ी लोग बोलते थे अरे तू कैसे निकालेगी, यू नो, मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगी, वो है ना वो ऊपर वाला, वो देगा मुझे। और जब आप अपने माँ बाप के लिए करते हो ना तो ऊपर वाला सच में आपको देता है। और मैंने ना ये चीज़ भारती में भी बहुत देखी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है भारती की ये चीज़, वो बहुत करती है अपनी माँ के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पहले लगता था कि मैं ही करती हूँ, पर जब मैं उसको देखती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है नहीं यार, मैं जब उसको देखती हूँ ना मुझे अपनी परछाई दिखाई देती है उसमें, और ऐसे लगता है यार ये लड़की कितना करती है यार, मतलब मुझे कभी कभी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ उसको देख के। और जब मिलती हूँ ना उसको भारती को तो बहुत अच्छा भी लगता है मुझे मिल के, जिस तरह वो हंसती रहती है, मुझे पता है कि वो भी कितनी मेहनत करती है कि यू नो अपने फैमिली के लिए, अपने मॉम के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, सबके लिए ना, सबके लिए सोचती है। और कहीं ना कहीं मैं बहुत वो हो जाती हूँ, इसलिए देखो भगवान उसको कितनी बरकत देता है और इतना प्यारा बेटा भी दिया है उसको गोलू, क्योंकि जो आप चाहते हो आपको मिलता रहता है क्योंकि आप अपने माँ बाप के लिए करते हो। मैंने व्लॉगिंग बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया बच्चों के साथ, पर मैं यही बोलना चाहती थी अगर आपको अच्छा लगा हमारा घर और अगर सब तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो भूलना ही मत। हमारे फॉलोअर्स बढ़ाओ यार। और मैं थोड़ा कुकिंग भी स्टार्ट करने वाली हूँ, प्ले बटन भी मिलता है, ओ डायमंड प्ले बटन चाहिए इसको। ओके तो गाइस सी यू आर।